A2 है, और इन ब्लॉक्स में इनमें एक्सलेशन को हमें बेसिकली रिलेट करना है। तो अगर मुझे एक्सलेशन को रिलेट करना है तो मैं इसके एक्सलेशन को कैसे रिलेट करूंगा वो हम देखते हैं, बेसिकली हाउ टू रिलेट द एक्सलेशन। ठीक है, चलो। तो अगर ये ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये A2 से जा रहा है, तो इस वाले स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान लिया तो इसमें भी T हुआ, तो इसमें कितना हुआ 2T, तो इसमें कितना हुआ, इसमें भी 2T हुआ। ठीक है, तो इसमें भी ये 4T आ गया ऊपर वाले में, तो इसमें भी 4T, तो इसमें आ जाएगा 8T, तो इसमें भी 8T। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16T। ठीक है, और इसमें भी 16T, ये आ जाएगा 32T, तो ये आ जाएगा 32T। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है, 1 2 3 4 6 स्ट्रिंग से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग लगा हुआ, तो इस पे टोटल टेंशन कितना हुआ, जो बड़ा वाला ब्लॉक था A1, जो A1 से ऊपर जा रहा है, इस पे टेंशन काउंट कर लो, टी इधर से लगा, टी फिर 2T, फिर 4T, फिर 8T, फिर लगा 16T, फिर लगा 32T, तो ये सारे लग गए इसमें टेंशन। तो कुल मिला के अगर मैं इसके लिए देखूं तो कितना हुआ, 32, 64, 48, 50, 50 और 53, तो ये आ जाएगा 63T, इसके लिए लिख रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, तो ये 63T और A1, और ये नीचे जा रहा है, इसमें T ऊपर लग रहा है, तो माइनस A2T मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि A2 इज इक्वल टू 63 A1 के इक्वल होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सलेशन। ठीक है, ये सारा टेंशन इसमें काउंट कर लिए। अब कभी कभी पूछ देता है कि सपोर्ट पे कितना फोर्स लगेगा, जो अल्टीमेटली ये वाला सपोर्ट है, इसे सपोर्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसे सपोर्ट पे कितना फोर्स लगेगा यार, ये 32, तो 64T जो है सपोर्ट पे फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जो सपोर्ट है उस पर पूरा 64T लगेगा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, चलो।